हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सावलिया सेठ के दरबार में 7.19 करोड़ निकले। अभी 2 पेटियां भर के चिल्लर और नोट की गिनती बाकी। दान में आए सोने चांदी का भी किया जाएगा वजन। चित्तौड़गढ़ स्थित कृष्णधाम सावलिया सेठ दरबार में अब तक 7.19 करोड़ रुपए की दान राशि भंडार से निकल चुकी है। शुक्रवार शाम को हुई गणना के बाद ये राशि 7.19 लाख 1300 रुपए हो गई है। राजभोग आरती के बाद शुक्रवार को 1.40 लाख 1400 रुपए की गणना की गई। इससे पहले दिन 4.74 लाख 42 हजार रुपए, दूसरे दिन 59 लाख 80 हजार रुपए की और तीसरे दिन 44 लाख 65 हजार 300 रुपए की गणना की जा चुकी थी। सावलिया जी दरबार में पूर्णिमा के दिन रविवार को दान पात्र यानी भंडार की गिनती शुरू हुई थी। अब करीब 2 पेटी भर के नोट व चिल्लर की गणना और सोने चांदी का वजन किया जाना बाकी है। मंदिर के संविदा कर्मी भी शुक्रवार को गणना में शामिल हुए, जिसके चलते अधिक नोटों की गिनती हो सकी। इस दौरान मंदिर मंडल सदस्य भैरूलाल सोनी, लेखा अधिकारी विकास कुमार सुरेला, प्रशासनिक अधिकारी कैलाश चंद्र दादीज भी मौजूद रहे। मंदिर विकास के लिए खर्च की जाती है राशि। सावलिया जी के भंडार में मिली राशि मंदिर विकास के लिए खर्च की जाती है। मंदिर का बोर्ड बना हुआ है। चित्तौड़गढ़ ADM इस बोर्ड के CEO है। भेंट में मिली राशि को यात्री सुविधा के विकास के लिए खर्च किया जाता है। साथ ही मंदिर बोर्ड द्वारा गौशाला का भी संचालन किया जाता है। मंदिर में 500 कर्मचारियों का स्टाफ है। सावलिया जी मंदिर करीब 2 सदी पुराना बताया जाता है। इसका विकास आसपास के गांव के लोगों ने ही किया। मान्यता है कि एक गवाले को सपने में सावलिया जी की मूर्ति के दर्शन हुए थे। उसने उसी स्थान पर खुदाई कर प्रतिमा को बाहर निकाला और अपने घर में स्थापित किया। जागरूक टीवी की चित्तौड़गढ़ से खास रिपोर्ट।